कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपके लिए लेके आए हैं फोर्ड मस्टैंग, जो बहुत ही ज़्यादा लव्ड कार है इंडिया में, स्पेशली बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है। ब्रांड न्यू हम लोग खरीद नहीं पाते क्योंकि इंडिया के अंदर ये है नहीं, और जब थी भी तब भी बहुत ज़्यादा महंगी लगती थी। अब जब चली गई है तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है, इंपोर्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो काम चला लेते हैं हम लोग सेकेंड हैंड कार्स खरीद के। लेकिन आज हमारे पास फोर्ड मस्टैंग का ब्रांड न्यू वेरिएंट है, बिल्कुल 2023 वाली मस्टैंग हमारे सामने खड़ी है, इसको मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती हैं। गाड़ी को देखते हैं, और वही वाली चीज़ है, अगर चाहो तो इम्पोर्ट करा सकते हो, वो ऑप्शन आज भी है। फोर्ड हो, बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज है जो गाड़ियाँ इंडिया से चली गई है, लेकिन इम्पोर्ट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है। फ्रंट प्रोफाइल की अगर आप बात करते हो तो आपको यहाँ पे ह्यूज साइज हुड मिलता है, और इसके अंदर बहुत स्मार्टली कट्स एंड कर्व्स को मैनेज किया गया है, जिसकी वजह से कार काफ़ी स्मार्ट लगती है। यहाँ पर आपको वेंट्स के लिए ग्रिल दिया गया है, इस साइड में भी और इधर भी। नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको फोर्ड का लोगो मिल जाता है, बहुत स्मार्ट सी हनीकॉम्ब स्टाइल में आपको ग्रिल दी गई है, यही पैटर्न सेम नीचे भी कैरी ऑन किया गया है। यहाँ पर आपको टो करने के लिए कंट्रोल दिया गया है, और जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस कार में दिखाई देती है वो है इसका नीचे वाला लोअर बम्पर पार्ट, जिसकी वजह से ये स्पोर्ट्स कार ऑब्वियसली है, लेकिन इसको और स्पोर्टियर बनाती है ये डिज़ाइनिंग। और ये कार सीरियसली इतनी छोटी है डिज़ाइनिंग में कि इसके सारे डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स को, इसके स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए मुझे बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। हेडलैम्प स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो सी द डिटेल्स, इतनी ज़्यादा स्मार्ट है ये। एलईडी हेडलैम्प आपको दिए गए हैं, यहाँ पर डीआरएल स्टेटमेंट ऐड किया गया है, ये स्लिट्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, नीचे की साइड में भी आपको डीआरएल दिया गया है अलॉन्ग विद द फॉग लैम्प। देखिए ये हमारी स्पोर्ट्स कार है, तो यहाँ पर हमें एरोडायनामिक्स को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है, चाहे वो कार की डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई हो, चाहे हमें कार के अंदर एयर वेंट्स दिए गए हों, ताकि जो गाड़ी की स्पीड है ना वो किसी भी ऑब्स्टिकल से हैम्पर ना हो। आइए साइड में चलते हैं। अलॉय व्हील्स आपको कुछ इस टाइप के मिलते हैं, फोर्ड की बैजिंग आपको सेंटर में मिल जाती है, यहाँ पर बहुत स्मार्ट सा इसका ब्रेक कैलिपर दिया गया है। और थोड़ा पीछे मूव करेंगे, 5.0 यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि इस कार के अंदर आपका 5 लीटर पेट्रोल इंजन का यूज़ किया है। और पीछे मूव करेंगे तो हमें बहुत स्मार्ट से ORVM मिल जाते हैं, जो बॉडी कलर्ड है, ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब अपीलिंग लग रही है गाड़ी। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको दिए गए हैं। डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ साइड से, तो गाड़ी को काफ़ी कर्वी बनाया गया है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर शार्प कट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से कार जैसे फ्रंट से एकदम से अग्रेशन प्रोवाइड कर रही थी ना, साइड से भी आपको कार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगने वाली है। बैक में आएंगे तब तो आपको GT से प्यार ही होने वाला है, मस्टैंग GT अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा फेमस है, और अगर हम बाकी स्पोर्ट कार से इसको कंपेयर करते हैं ना दोस्त, तो इसकी प्राइसिंग सीरियसली बहुत ज़्यादा कम है, चाहे हम इंडिया में भी इसकी बात करें तो। सबसे ऊपर देखिए आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो हमारा रियर विंडो है उसका साइज़ देखिए वाओ, और उसका डिज़ाइन देखिए, मैंने बोला ना एरोडायनामिक्स को जगह जगह यहाँ पे मेंटेन किया गया है। बैक लाइट भी बहुत स्मार्ट से डिज़ाइनिंग के साथ दी गई है। ह्यूज साइज स्पॉइलर आपको मिल जाता है यहाँ पर, GT यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये पूरा सेगमेंट ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। इसमें आप टेल लैम्प्स की डिज़ाइनिंग देखिए, वाओ लवली। रिवर्स कैमरा आपका यहाँ पर प्लेस किया गया है, लोअर बम्पर की डिज़ाइनिंग भी बहुत अग्रेसिव है, यहाँ पर क्वाड एग्जॉस्ट स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। बूट स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो बूट स्पेस आपको इस कार में अच्छा खासा मिल जाता है, काफ़ी प्रैक्टिकल कार मानी जाती है मस्टैंग GT, क्योंकि यहाँ पे आपको बूट स्पेस भी डिसेंट मिलता है, आपको इसमें 4 लोग बिठाने का भी ऑप्शन है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है काफ़ी बढ़िया है। इस गाड़ी के अंदर आपका जो सब वूफर है वो पीछे की साइड में यहाँ पे प्लेस किया गया है, और मैंने इसको प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स कार इसलिए भी बोला है क्योंकि देखिए बाकी स्पोर्ट्स कार में ना सारा उल्टा पुल्टा सिस्टम होता है, आपको जो बूट है वो आगे दे दिया होता है, जो हमारा इंजन है वो सबसे लास्ट में प्लेस कर दिया होता है, यहाँ पे ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल हमारी कार है, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पर लगाई है उन्होंने, और काफ़ी प्रैक्टिकल बनाई है, यूज़ कर सकते हैं आप इसे। अगर शौक है आपको स्पोर्ट्स कार का तो कंसिडर करने लायक व्हीकल है ये विदाउट एनी डाउट। यहाँ पर आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं, अंदर से अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिलती है, क्रोम डोर हैंडल है, यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ किया गया है, लॉक एंड लॉक कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, नीचे के साइड में मेरा स्पीकर है, ऊपर मेरा ट्विटर है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, ये हमारे पास ORVM कंट्रोल है। सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं फ्रंट बैक के लिए, हाइट एडजस्टमेंट आपको दी गई है, लंबर्ड सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा।
यहाँ पर आपका स्कर्फ प्लेट पे मस्टैंग मेंशन किया गया है, फोर्ड का लोगो लगाया गया है जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। स्टेयरिंग व्हील की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर सेंटर में मस्टैंग का लोगो आपको दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ कंट्रोल्स दिख रहे हैं, इसमें ये जो ऊपर के साइड में है ये वॉल्यूम के लिए है, ट्रैक चेंज कर सकते हो। नीचे के साइड में मूव करेंगे तो ये आपके पास क्रूज के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट हैंड साइड में आपको जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये भी आपके इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड है और आप अपना MID की रीडिंग्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं शॉर्टकट के लिए, जैसे नेविगेशन हो गया, फ़ोन हो गया, म्यूज़िक हो गया। यहाँ पर आपको फुल ऑन स्क्रीन दी गई है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो काफ़ी स्मार्ट लग रही है। अभी जो पुरानी जनरेशन थी उसमें डायल्स मिलते थे, अब इसको फुल ऑन डिजिटल कर दिया गया है। जैसे आपका स्पीडोमीटर हो गया, आपका टैकोमीटर हो गया, आपका ट्रिप एवरेज, टायरट्रॉनिक्स, एवरीथिंग। यहाँ पर आपको लाइट कंट्रोल्स दिए गए हैं, AC वेंट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं और यहाँ अंदर की साइड में भी आपको ट्विटर मिल जाता है। फ्रंट डैशबोर्ड लेआउट अगर आप देखेंगे तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें प्लास्टिक का यूज़ किया गया, थोड़ा डिज़ाइन अलग है, टेक्सचर अलग है। यहाँ पर ये सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। ये जो सिल्वर डिज़ाइनर यूनिट है ये बहुत स्मार्ट लग रही है। ये एलिमेंट अपने आप में ही कार को पूरा एनहांस कर रहा है, इसके लुक को पूरा बढ़ा रहा है। नीचे की साइड में आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और ये सारे हाईटेक से लोडेड है। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके नीचे आओगे ये आपका वॉल्यूम के लिए नॉब दिया गया जो काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइनिंग के साथ है। यहाँ से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, अपने अलग अलग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं। ये जो पूरा यूनिट है ये आपका म्यूज़िक सिस्टम यूनिट ही है। इसके नीचे ये बहुत स्मार्ट सा आपको AC कंट्रोल यूनिट दिया गया है। टेम्परेचर आप इस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे आपको बटन्स दिए गए हैं, टच नहीं है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये परफॉर्मेंस व्हीकल है, भगाते हो गाड़ी को आप, उस टाइम पर टच वच को ऑपरेट करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, तो वो उस टाइम के लिए ही गाड़ी को माइंड में रख के बनाया गया, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। उसके नीचे आएंगे तो अगेन गाड़ी और ख़तरनाक होती जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ऐसा ये देंगे कि जैसे प्लेन उड़ाने वाले हैं, वो वाले कंट्रोल्स आपको दे दिए हैं। यहाँ से आप अपना मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल या आपको स्पोर्ट में जाना है। ये आपकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, ये ट्रैक्शन को ऑन एंड ऑफ़ करने के लिए दिया गया है, ये हज़र्ड लाइट है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर आपको छोटी सी स्टोरेज दी गई है, इधर आपके पास USB पोर्ट दिया गया है और ये है हमारा 12V चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर आपको इसका बहुत स्मार्ट सा गियर लीवर दिया गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। 10-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सेंटर में मेरे पास कप होल्डर है जिसके अंदर बहुत स्मार्ट सी एम्बिएंट लाइट है। एम्बिएंट लाइट इसमें जगह जगह नहीं है, बहुत कम कम स्टेटमेंट में यूज़ किया गया है। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कप होल्डर के अंदर है, आपको यहाँ अंदर की साइड में मिल जाएगा, बाकी उसके अलावा ऐसा चाहिए लाइट कहीं और नहीं है। यहाँ पर आपका हैंड रेस्ट है और इसकी ओपनिंग इस तरीके से साइड से होती है। इसके अंदर आपको USB पोर्ट मिल जाता है और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है जिसको आप इस तरीके से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे ये मस्टैंग लिखा हुआ काफ़ी स्मार्ट लगने वाला है आपको। जो हमारा ग्लव बॉक्स है वो आपको लॉक कंट्रोल के साथ मिलता है, लॉक कर सकते हैं आप इसे, और इसके अंदर डिसेंट साइज़ का स्टोरेज है। ऊपर के साइड में मूव करते हैं, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपको मिल जाता है, बहुत बेसिक सी आपको लाइट दी गई है, LED दे सकते थे। पीछे के साइड में आपको इतना स्पेस मिलता है, अब इसमें बैठ के आपको मैं दिखाती हूँ कितना कंफर्टेबल लगता है ये। चलिए अब आपको बताती हूँ इसमें पीछे जाते हैं कैसे हैं। यहाँ पर आपको एक फ्लैप दिया हुआ है जस्ट बिल्कुल सीट के सेंटर में, इसको करेंगे आप ऊपर जिससे ये डाउन हो जाएगा, और इसको आगे करेंगे आप इसकी हेल्प से। आपका बहुत अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब करते हैं स्पेस की बात। अगर हम इस सीट को फुल ऑन मैंने रिक्लाइन कर रखा है, पूरा मैंने स्पेस ले रखा है और मैं बैठती हूँ पीछे, देखिए माय हाइट इज़ 5'5", आई एम बिट कंफर्टेबल, लेकिन अगर थोड़े से हाइट में ज़्यादा लोग होंगे तो उनको यहाँ पे बैठने में दिक्कत होने वाली है, अदरवाइज़ 5, 6, 7, 8 तक के लोग भी यहाँ पे बहुत कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंजस्टेड सा लगेगा बिकॉज देख सकते हैं आप। और वैसे अगर आप बात करें कम्फर्ट वाइज तो मुझे तो यार बहुत कंफर्टेबल लग रही है, मैं मस्टैंग में पीछे बैठ सकती हूँ। बट ये स्पोर्ट्स कार है, प्रेफर किया जाता है कि दो ही जने इसको ड्राइव करते हैं, पीछे कम ही लोग बैठते हैं, तो उस सेंस में भी अच्छी, और अगर कोई बैठना चाहता है तो ज़रूर बैठे, लेकिन हाइट छोटी होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। 5, 6, 7 तक आप इसमें बैठ सकते हैं, 5, 8 तक भी आ जाएंगे, उससे लंबे लोग 6 फीट वाले तो सोचना भी मत। इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कार के अंदर 5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है। V8 इंजन है ये, जिसके अंदर आपको जो पावर मिलती है दैट इज़ मैसिव पावर, 450 BHP। और 0 to 100 की अगर आप बात करेंगे तो ये गाड़ी इन जस्ट 5.2 सेकंड्स के अंदर 100 को रीच कर लेती है।
तो दोस्त कैसी लगी आपको मस्टैंग GT500 बताइएगा मुझे कमेंट्स में। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल।